तो फाइनली गाइस हमारे पास आ चुका है ओप्पो रेनो 8 5G और इसी फोन के बारे में जो है वो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड काफी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लिटरली मुझे 4 महीने हो गए वीडियो बनाए हुए एंड इस बार बहुत ज्यादा लंबा गैप ले लिया भाई, आई नो। बट एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि दिस हैपेंस, यू नो, डीमोटिवेशन हो जाती है इंसान को और डीमोटिवेशन का रीजन भी यही था कि रिस्पॉन्स काफी ज्यादा कम आ रहा था। बट स्टिल यूट्यूब इज लव यार, ज्यादा दिन यूट्यूब से दूर नहीं रह सकते हैं, तो प्यार और सपोर्ट दिखाना यार ताकि ये डीमोटिवेशन वापस ना आए और इतना लंबा गैप हम कभी ना ले अगेन वीडियो में। बट इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 8 5G के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग के साथ। फटाफट से बता देता हूँ क्या कुछ बॉक्स में देखने को मिलता है। सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन, सिम इजेक्टर टूल एंड एक क्लियर केस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फोन रखा हुआ मिल जाता है एंड फोन की लुक्स भाई साहब बहुत जबरदस्त बनाई है ओप्पो ने। बाकी इसके बाद जो है वो आपको एक 80 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाएगा एंड USB A to टाइप C वाली केबल देखने को मिल जाएगी। तो बॉक्स के अंदर यस पूरा माल मसाला आपको देखने को मिल जाता है। अच्छी बात है कि ओप्पो ने जो है वो अभी मिड रेंज में एप्पल को फॉलो करना शुरू नहीं किया, वरना भाई ये सब कुछ गायब हो जाता ओप्पो के बॉक्स से भी। बट एनीवेज फोन के बारे में बात करें तो फोन बहुत ही अल्टीमेट लुक्स के साथ आता है। हालांकि फोन में जो है वो आपको प्लास्टिक बैक प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाता है, बट स्टिल भाई अगर ऐसा डिजाइन मुझे मिलेगा तो मुझे प्लास्टिक बैक से कोई भी कंप्लेंट नहीं है। इन प्लास्टिक बैक होने की वजह से ना जो फोन का वेट है वो भी काफी ज्यादा लाइट है, 180 ग्राम्स का ये फोन है एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कमाल का किया है ओप्पो ने, तो काफी हैंडी सा फोन लगता है ये। एंड यहाँ पे ना आपको कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इसका फ्रेम एंड जो इसका बैक पैनल है वो भी एक दूसरे में बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है। यहाँ पे इसके कैमरा के साइड में जो है वो आपको बम्प देखने को मिल जाएगा कर्व शेप के अंदर। एंड यहाँ पे इसका जो फ्लैश लाइट देखोगे ना आपको वो भी यहाँ पे राउंड शेप में दिया है ओप्पो ने। पावर बटन के अंदर आपको एक छोटा सा एक्सेंट कलर देखने को मिल जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना जो है वो ओप्पो बहुत ध्यान रखता है इन चीजों के ऊपर एंड इसी वजह से जो फोन की लुक्स है वो बहुत ही किलर निकल के आते हैं। तो लुक्स के मामले में 10/10 भाई। बाकी फ्रंट साइड की बात करो तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है एंड इसकी जो ब्राइटनेस है वो 800 निट्स की देखने को मिलती है। तो आउटडोर्स के अंदर भी मैंने जो है वो इसको यूज किया सनलाइट के अंदर, मुझे कोई विजिबिलिटी में तो प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि ऑन पेपर जो है वो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लगती है यहाँ पे, बट डिस्प्ले अच्छा है यार एंड व्यूइंग एंगल्स वगैरह भी काफी ज्यादा कमाल के देखने को मिल जाते हैं एंड कलर्स वगैरह भी अच्छे पंची निकाल के देते हैं। तो डिस्प्ले जो है वो अच्छा यूज किया है यहाँ पे ओप्पो ने एंड साथ ही में यहाँ पे आपको वाइड 1L1 वगैरह का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। एंड साथ में ओप्पो ने जो है वो यहाँ पे आपको प्री अप्लाइड जो स्क्रीन गार्ड है वो भी लगा के दिया है डिस्प्ले के ऊपर। तो डिस्प्ले जो है वो मुझे इस फोन का काफी ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी डिस्प्ले के अंदर यार एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि यहाँ पे इसके 3 साइड के फ्रेम्स तो जो है वो काफी ज्यादा सही देखने को मिल जाते हैं, बट इसकी जो चिन है ना वो थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा मोटी देखने को मिल जाती है। आई विश के यहाँ पे जो चिन है वो थोड़ी सी पतली दी होती ओप्पो ने तो डिस्प्ले बहुत ज्यादा बढ़िया लगता। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है यहाँ पे साथ ही में, उसकी स्पीड जो है वो काफी फास्ट है, काफी जल्दी से अनलॉक हो जाता है फोन। बट यहाँ पे ओप्पो ने जो है वो एक जगह पे कॉस्ट कटिंग किया है एंड वो है इसके स्पीकर्स। यहाँ पे इस फोन के अंदर आपको सिंगल मोनो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। इस प्राइस रेंज के अंदर यार यहाँ पे डुअल स्पीकर एक्सपेक्टेड थे, बट ओप्पो स्टिल यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर गया। वॉल्यूम में बोलूंगा कि डिसेंट देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं है एंड बहुत ज्यादा लो भी नहीं, आपका काम चल जाएगा, बट डुअल स्पीकर यहाँ पे होना चाहिए था। बाकी एक जगह है जहां पे ओप्पो ने जो है वो बिल्कुल भी कॉस्ट कटिंग नहीं की एंड वो है इसका कनेक्टिविटी डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको वाईफाई 6 का पोर्ट देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.3, NFC, 4G, करियर एग्रीगेशन, 12 5G बैंड, ये सब कुछ जो है वो आपको फुल इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही कमाल की दे रखी है, उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी मेमोरी एंड परफॉर्मेंस साइड की बात करूं तो एक ही वेरिएंट आता है इसका, 8GB 128GB वाला, 8GB की जो है वो LPDDR4X रैम देखने को मिलती है एंड UFS 3.1 वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है। आई विश कि इसके अंदर LPDDR5 रैम होती, बट ठीक है यार, रीड एंड राइट स्पीड जो है वो अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बाकी इस फोन के अंदर जो है वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर यूज किया गया है जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है यहाँ पे। 1200 जो है वो हमने बहुत सारे फोन्स के अंदर यूज किया था, OnePlus Nord 2 के अंदर भी यूज किया था। काफी बढ़िया प्रोसेसर है वो, काफी फास्ट स्पीड जो है वो आपको परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है, तो उसी का सक्सेसर है ये। एंड अगर मैं इसके Antutu स्कोर की भी बात करूं तो वो भी आपको 6 लाख से ऊपर का देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया चीज है यार।
तो इस बार जो है वो ओप्पो ने परफॉर्मेंस साइड के ऊपर भी ध्यान दिया है, क्योंकि पहले जो है वो ओप्पो थोड़ा लुक्स वगैरह के ऊपर एंड कैमरा के ऊपर ज्यादा ध्यान देता था एंड परफॉर्मेंस साइड में कहीं ना कहीं बैक ऑफ कर जाते थे ये लोग। तो इस बार जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर भी ओप्पो ने ध्यान दिया है, तो ये चीज अच्छी है यार। बट यहाँ पे इस प्रोसेसर के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जब मैंने इसके ऊपर सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट किया तो इसका ग्राफ मुझे भाई बहुत ही बेकार देखने को मिला। लिटरली यार ग्राफ है ना वो आपको ऑलमोस्ट रेड में देखने को मिलेगा हर टाइम पे। एंड मैंने मल्टीपल टाइम्स जो है वो इस पे सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट रन किया एंड स्कोर्स जो है वो आप परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। हालांकि मैंने इसके ऊपर गेमिंग वगैरह भी टेस्ट की, थोड़ी सी ज्यादा गेम्स तो नहीं खेला बट एक दो गेम्स खेला। तो बीजीएमआई के अंदर अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूं, पहले तो आपको स्मूथ के ऊपर एक्सट्रीम ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद एचडीआर तक जो है वो आप अल्ट्रा तक में गेमिंग कर सकते हो यानी कि 40 FPS के ऊपर। एंड जितना एक दो मैच मैंने खेला था तो वहां पे परफॉर्मेंस मुझे ठीक देखने को मिला, कुछ भी लैग्स वगैरह तो फेस नहीं हुए। बट भाई अभी मैंने ज्यादा गेमिंग नहीं की है इसके ऊपर क्योंकि ऑब्वियसली इस फोन को जो है वो मैं 8-10 दिन यूज करने के बाद इसका फुल रिव्यू तो लेके ही आने वाला हूं, तो उसके अंदर क्लियरली सभी चीजें साफ साफ आपको बता दूंगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो उसके लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज यार तभी ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तभी हमें डीमोटिवेशन नहीं आएगी और रेगुलर वीडियोस बना पाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं यहां पे इसके कैमरास की, तो फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड ही आपको सोनी के सेंसर के साथ जो है वो कैमरास देखने को मिल जाते हैं। बैक साइड में 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है एंड फ्रंट साइड में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड कैमरा की परफॉर्मेंस जो है वो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। सबसे पहले सेल्फीज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं लो लाइट की बात करूं तो वहां पे भी ये जो फोन है वो अच्छी फोटोज कैप्चर कर लेता है, डिटेल्स वगैरह को जो है वो मेंटेन रखता है एंड कलर्स वगैरह भी भाई अच्छे देखने को मिले मुझे इस फोन के अंदर। एंड आउटडोर में भी जो है वो इसकी परफॉर्मेंस ठीक लगी, मुझे बढ़िया लगी। बट एक कमी मुझे इस फोन के अंदर लगी कि जब आप HDR को ऑफ रखते हो, एक तो ये स्काइज का कलर जो है वो बिल्कुल ही वॉश आउट कर देगा, यहाँ पे आपको डायनामिक रेंज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा हल्का सा इसके एक्सपोजर में मुझे प्रॉब्लम लगी, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने व्हाइट टी शर्ट पहनी थी तो उसके अंदर एक्सपोजर को ये जो फोन है वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया। बाकी अगर मैं बैक कैमरा की बात करूं तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अल्टीमेट देखने को मिल जाती है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा इश्यू देखने को नहीं मिलता, डायनेमिक रेंज काफी अच्छे से कैप्चर करता है एंड यहाँ पे स्किन टोन वगैरह के कलर बहुत अच्छे लगे मुझे इस कैमरा के। एंड डिटेल्स भाई वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। बाकी लो लाइट के अंदर भी पिक्चर क्लिक की तो वहां पे भी रिजल्ट्स जो है वो मुझे अच्छे देखने को मिले। बाकी ये जो फोन है वो एंड्रॉइड 12 के ऊपर काम करता है एंड कलर ओएस 12.1 आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। एंड कलर ओएस ने जो है वो इस बार मैं सच बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया, इसकी जो एनिमेशंस वगैरह है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ मुझे देखने को लगी एंड कुछ छोटे छोटे टचेस दिए गए हैं यूआई के अंदर जो कि काफी ज्यादा डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस को इन्हांस कर देते हैं। एक चीज जो है वो मुझे बट इस फोन के अंदर पसंद नहीं आई वो है ब्लोटवेयर, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर देखने को मिलता है, 20 के करीब यहाँ पे इसके अंदर फालतू की एप्स थी जो कि मैंने रिमूव की। अच्छी बात है कि आप रिमूव कर सकते हो बट इस प्राइस रेंज में अगर मैं बोलूंगा कि इतना ब्लोटवेयर नहीं मिलना चाहिए भाई, हो एक दो ऐप दे दो यार बट इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। बाकी बैटरी एंड चार्जिंग की बात करूं तो 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है एंड 80 वॉट का चार्जर आपको इस फोन के अंदर दिया गया है एंड अराउंड 45 मिनट्स के अंदर जो है वो आपका फोन फुल चार्ज हो जाता है। एंड एक दिन अभी मैंने इस फोन को यूज किया है तो वहां पे मुझे जो बैटरी बैकअप वगैरह है वो तो ठीक ठाक देखने को मिला, ऐसे मुझे कुछ नहीं लगा प्रॉब्लम बैटरी बैकअप के अंदर। बाकी प्राइसिंग की बात करूं तो 30,000 का ये फोन आपको देखने को मिलता है, 3,000 का कुछ कार्ड डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन के ऊपर। एंड साथ ही में अगर आप ऑफलाइन से लेते हो सकता है कि आपको 500,000 पे कुछ और कम देखने को मिल जाए, तो तकरीबन आप इस फोन को जो है वो 26-27,000 रुपए के अंदर बाय कर सकते हो जो कि मुझे भाई बढ़िया लगा। डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये प्रोसेसर ऑप्टिमाइज्ड निकले तो वो चीज तो जो है वो मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में ही बता पाऊंगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस इस फोन ने मुझे निकाल के दिया, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आज की वीडियो के लिए तो इतना ही, बट अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो, मैं पूरा रिप्लाई करने की आपकी ट्राई करूंगा। बाकी दैट्स इट प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।